बना कितना सिंपल है, आप देखोगे तो कहोगे कि अरे इतना ही था। एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर, ये नीचे की तरफ एलिवेटर जा रहा है, इसके डाउन जा रहा है। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 0.5 kg, इसका मास दे रखा है 0.5 kg। व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड बाई द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, यानी ए का फोर्स बी पे कितना लगेगा ये पूछ रहा है। व्हाट फोर्स इज एग्जर्टेड बाई द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी, तो मान लो कि ये हम जो है ऐसे इसका, जैसे आप लोग थ्री बॉडी डायग्राम खींचते हैं सिंपल सा, देखिए ये ब्लॉक ए है, इसका जो है एमजी जो मास है वो क्या लगेगा, नीचे के तरफ लगेगा, वेट इसका डाउनवर्ड, और ये ब्लॉक किस पे रखा हुआ है, बी ब्लॉक पे, तो बी ब्लॉक इस पे क्या फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे एन, तो ये ए ब्लॉक भी उस पे एक नॉर्मल फोर्स, उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, यानी बी जो इस पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा कि इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। इसको मान लो कि हम एन मान लेते हैं, सपोज करो एन मान लिया। अब इसमें ध्यान ये देना है, देखो बेटा जब भी हम बात करेंगे ना ए ब्लॉक की बात करेंगे तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, इसका इंटरनल फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ए ब्लॉक पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसका है, एक तो ग्रेविटी है एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ है, ए ब्लॉक ये हो गया, इस पे एक ग्रेविटी ने नीचे की तरफ फोर्स लगाया। दूसरा ये बी ब्लॉक है जिस पे ये रखा हुआ है, तो बी ब्लॉक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, बी ब्लॉक और ग्रेविटी दोनों इसके लिए एक्सटर्नल हो गया, तो ये इसका ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब कोई फोर्स इस पे है नहीं और ये कैसे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एन फोर्स है वो कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है ए पे, यही ना है। तो इसको जब नीचे जा रहा है तो कैसे लिखेंगे, एम जी माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम जी तो आपका रह गया, एम हो गया 0.5 इंटू जी हो गया 10 माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास हो गया 0.5 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 2, 2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है ये, तो यहाँ से नॉर्मल निकालोगे आप तो ये हो गया कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 1, तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 न्यूटन हो जाएगा ये। अब देखो ये 4 न्यूटन का फोर्स किसने लगाया है इस पर, ये बी ब्लॉक ने जो नॉर्मल दिया है ये ऊपर इतना है, तो ए ब्लॉक भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा ना, जितना न्यूटन थर्ड लॉ से ये बी जितना फोर्स इस पे लगाया होगा ए भी उतना ही फोर्स इस पे लगाया होगा, यानी ये एन का जो वैल्यू है ये वही फोर्स है जो बी ने ए पे लगाया, तो ए ने भी बी पे उतना ही लगाया न्यूटन थर्ड लॉ से, दोनों डिफरेंट बॉडी है और एक्शन रिएक्शन इक्वल होता है, तो यही 4 न्यूटन का फोर्स आपको निकल के आ गया जो कि नॉर्मल फोर्स है ए के थ्रू बी पे या बी के थ्रू ए पे, बस इतना एक लाइन का था इसमें। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, ट्राई करिए 15। क्या कहता है कि पेंडुलम है, बॉब है, मास 50 ग्राम है, सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर, एक ये एलिवेटर है आपका, मान लो ये एलिवेटर है, इसके सीलिंग पे यहाँ से एक सीधा ये सीधा सा जो है यहाँ पे बॉब जो है लटका हुआ है इसमें एलिवेटर से, इस तरीके से ये एलिवेटर है, मान लो ये इस तरीके से इस पे लटका हुआ है सीधा सा, ये बॉब है यहाँ पे लटका हुआ है सीलिंग से, इसका मास है 50 ग्राम लटका हुआ है, मास इज 50 ग्राम। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब खींचोगे तो आपको नीचे के तरफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम जी जो कि इसका वेट भी है, दिस इज कॉल्ड वेट और ग्रेविटी पुल, उसके बाद ये ऊपर की तरफ इसमें लग रहा है टेंशन, ऐसे देखो कितना सिंपल लॉजिक है, ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, और जा किधर रहा है ये, ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये दे रखा है। अब क्या करोगे, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम, ये ऊपर जा रहा है ना तो टेंशन टी हो गया माइनस नीचे का फोर्स एम जी,
इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल। इट मीन्स टेंशन ही तो निकालना है, टेंशन विल बी इक्वल टू एम कॉमन ले लो, ए प्लस जी कर दो, और मास इसका है 50 ग्राम है तो केजी बनाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, और एक्सेलरेशन ऊपर कितना है 1.2 है, और जी का वैल्यू ले लो 10 ले लो इसको, ये हो गया 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.05 इंटू 11.2 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5555 होगा या 5 आ गया। आ गया, 5.6 होगा, इतना न्यूटन हो जाएगा इसको, 0.5 फाइव फाइव होगा, हाँ नहीं वही होगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 6 0.56 ना, ठीक है जी। उतना आ गया। अगर 9.8 लोगे इसको, इसमें कुछ कह रहा है जी का वैल्यू कितना लेने के लिए, कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है, 10 लेने के लिए, नहीं नहीं तब 9.8 ले नहीं लो, तो बोला सुनो। नहीं बोला तो 9.8 लो इसको, अगर नहीं बोला तो 9.8 लेंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन, ये 0.05 इंटू ये हो गया 9.8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा वो 11, 1.2 और 9.8 11 हो गया, तो ये 0.55 न्यूटन का टेंशन इसमें लगेगा। ओके तो ये एक पार्ट हमारा निकल गया, अब दूसरा पार्ट में देखो, दूसरा पार्ट अपने से निकालो, इफ इ गोज अप विथ एन एक्सेलरेशन गोज डाउन विथ एक्सेलरेशन, नीचे सेम जा रहा है तो क्या फर्क होगा, ये डेसेलरेशन हो जाएगा, ये वाला वैल्यू खाली निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही सेम हो रहेगा, जाता सर, नेगेटिव रहता बस। ये खाली निगेटिव हो जाता है, तो अब इसको निगेटिव करके सॉल्व करो, सेम वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और फिर सॉल्व करके ये मुझे बताओ, फॉर ये पार्ट हो गया ए का है, ए पार्ट है, बी पार्ट के लिए आप सॉल्व करो, फॉर पार्ट बी सिंपली टी माइनस एम जी इक्वल टू माइनस एम इंटू ए हो गया, आप सारा वैल्यू दे ही रखा है, आप इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप टी का वैल्यू निकालेंगे तो एम इधर चला जाएगा, एम कॉमन ले लोगे, जी माइनस ए हो गया ये, और एम का वैल्यू 0.05 है और जी का वैल्यू 9.8 है, और माइनस 1.2 है, 9.8 माइनस 1.2, तो अब इसको सॉल्व करके देख लो जितना आएगा वही होगा, 0.05 इंटू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8.6, तो ये हो गया मेरे ख्याल से कितना लग रहा है, ये हो गया 5 6 30, 8 5 40 और 3 43, तो ये मेरे ख्याल से इतना न्यूटन होना चाहिए, कैलकुलेशन देख लो कितना ही है आंसर इसका, 13 है ना, 13 का पार्ट बी, हाँ 0.43 न्यूटन है, ठीक है आगे। अब सी वाला पार्ट देखो, गोज ऑफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, सी पार्ट, एक्सेलरेशन 0 है, एसेलरेशन 0 हो गया, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली एम टी जी इज इक्वल इक्वल टू टू एम जी, एम तो जी, 0.05। ओके गुड, तो सो गोज अप मीन्स कोई एसेलरेशन नहीं है, तो टी इक्वल टू एम जी हो गया, तो ये टी आपका कितना हो गया, एम कितना दे रखा है बेटा 0.05 इंटू 9.8 हो गया ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, इसको आएगा 0.49 आ रहा है क्या, देखो हाँ 0.49 आएगा, 4.9 न्यूटन हो गया। अगर ये एलिवेटर रुका भी रहता तो उस समय भी इतना ही होता, ये उस समय भी रुके कंडीशन में भी यही होता। अब लास्ट वाला बाकी तीनों पार्ट तो खुद कर सकते हो, अभी करो तब तक हम फिर से इसको रिज्वाइन करते हैं लास्ट वाला पार्ट को।